हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 10th का आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है भाई, आज इसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, निर्देशांक क्या होता है क्या नहीं, उसको देखेंगे भाई। तो भाई बच्चों देखते हैं, तो इसमें देखो बच्चों, आपके निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक होते हैं एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, तुम देख रहे हो भाई। एक्स निर्देशांक इसको बच्चों हम एक्स अक्ष भी बोलते हैं और इसको हम वाई अक्ष भी बोलते हैं। जो एक्स अक्ष होते हैं उसको हम बोलते हैं भाई भुज, और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। ये आपको पता होना चाहिए भाई भुज क्या होता है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये भुज है, तो मतलब समझ लो एक्स अक्ष की बात हो रही। क्वेश्चन में लिखा होता है ये कोटि है, तो समझ लो वाई अक्ष की बात हो रही। देखो आपका होता तो एक वैसा जेड अक्ष भी, लेकिन उसको हम नहीं समझते क्योंकि भाई आपका दो ही अक्ष में क्वेश्चन होंगे और उन पर ही बात चलेगी भाई। तो देखो जैसे भाई इस प्रकार जो भी तुम्हें लाइन मिलेगी भाई उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। जो भी आपको इस प्रकार की लाइन मिलेगी भाई बच्चों, इस प्रकार की, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और इसको इस प्रकार की जो लाइन मिलेगी उसको बोलते हैं भाई वाई अक्ष। जो भी आपका प्लेन में होगा भाई, जैसे प्लेन है इसको हम एक्स अक्ष। मैं कहने लगा भाई यहां पर कोई कॉइन रखा, कोई सिक्का रखा, तो इसकी दूरी बताओ कैसे पता लगेगी भाई। तो आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष का पता होगा तो आप पता लगा लोगे। तो इसको बोलते हैं भाई एक्स अक्ष मतलब कोटि, इसको बोलते हैं भाई वाई अक्ष, वो सॉरी इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। समझ मारा भाई? अगर हम जीरो से चले भाई, जीरो से ऊपर की ओर चले तो वाई का मान होगा पॉजिटिव। अगर जीरो से ऊपर की ओर चले भाई वाई का मान होगा पॉजिटिव। जीरो से नीचे की ओर चले मतलब गहराई की ओर चले तो भाई वाई का मान होगा नेगेटिव। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। और अगर जीरो से हम राइट साइड चल रहे तो इसका मान एक्स का मान होगा पॉजिटिव। इधर एक्स एक्स का मान होगा, इधर वाई एक्स 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 का ही होगा। लेकिन इधर को अगर इस साइड चलेंगे तो एक्स एक्स का मान होगा भाई नेगेटिव। ये आपको समझना भाई। अगर मैं आपको जैसे भी क्वेश्चन समझाऊं, इस प्रकार लिख रहा भाई एक्स वाई, ये आपको लिखा हुआ मिल सके, इसको बोलते भाई हम भुज, और इसको क्या बोल देते भाई कोटि। जैसे 3 - 3 तो एक्स का मान ये होगा, वाई का मान ये होगा। सही मारा भाई? एक्स का मान ये होगा और वाई का मान ये होगा। इसी प्रकार अगर आपका 4.5 दिखाओ नजर आए तो ये एक्स का मान और ये वाई का मान। ये समझने का पॉइंट है भाई। अगर 2 या 2 से अधिक मान आ जाए भाई, जैसे 3, 4, 7, 8, 9, 11, तो इसे नाम दे देंगे भाई एक्स वन का, इसे दे नाम दे देंगे भाई वाई वन का। कंपेयर कर लेंगे इसकी एक्स वन का या वाई वन का, इसको एक्स टू का, इसको वाई टू का, इसको एक्स थ्री का, इसको वाई थ्री का। कंपेयर कर लेंगे बस, और कुछ नहीं है इसका मान। जी बस कंपेयर कर लेंगे और कुछ नहीं है भाई। एक्स एक्स वाई हो गया, एक्स एक्स पे ही है, वाई एक्स पे। ये पहला एक्स का मान, दूसरा वाई का मान। ये ऐसा समझने का पॉइंट, और कुछ नहीं है। तो भाई जो मैं आपको बता रहा बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूं भाई कि ये जो भी आपका जो आपका इस साइड भाई, इसको समझो यार, इसको बोल देंगे एक्स एक्स। बता दे भाई मैंने एक्स एक्स, इधर को होगा एक्स का मान पॉजिटिव, इसको भी एक्स एक्स बोल देंगे, लेकिन इधर को होगा वाई एक्स का मान नेगेटिव, ऊपर को वाई एक्स इसका मान पॉजिटिव, और नीचे को वाई का मान नेगेटिव, इसको वाई एक्स इसको एक्स एक्स। ये है बस समझने का पॉइंट। जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे, इधर को एक्स का मान पॉजिटिव होगा, इधर को एक्स का मान नेगेटिव होगा, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये बता दिया भाई मैंने, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलते हैं, किसको नहीं? पाइथागोरस प्रमेय आपको पहले पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, फिर उस पर आधारित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई यूज होगा भाई पाइथागोरस प्रमेय का।
इसलिए मैं आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय बता रहा हूँ भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी भाई, देखते हैं बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करते हैं बच्चों किसी भी त्रिभुज के लिए। आपको दो भुजा पति है पता है और तीसरी भुजा का पता लगाना, तो आप पाइथागोरस से पता लगा सकते। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय भी याद रखना भाई, पाइथागोरस प्रमेय भी तभी लगती है जब दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होगा, उससे पहले पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगती। आपको समझना भाई, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, दो भुजाओं के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, वरना नहीं लगेगी। इसको नाम दे दे भाई ए का, इसको बी का और इसको सी का। अगर इसमें से कोई भी आपको दो भुजाओं का योग बता दिया भाई, दो भुजा दे दी, ए बी भुजा दे दी, बी सी भुजा दे, तो आप ए सी भुजा निकाल सकते हो। किस प्रकार, देखो जैसे आपका फॉर्मूला हो जाएगा भाई ए सी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं बच्चों हम कर्ण, क्या बोलते हैं भाई कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, लंब, और इसको क्या बोल देंगे भाई आधार। तो ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये पाइथागोरस प्रमेय साथ निकल गया भाई, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकल कर आता है भाई फॉर्मूला। ए सी को क्या बोल रहे प्यार दोस्तों, हम कर्ण बोल रहे, तो कर्ण का स्क्वायर ए बी को क्या बोल रहे भाई आधार बोले, तो आधार का स्क्वायर प्लस बी सी को क्या बोल रहे भाई हम लंब, लंब का स्क्वायर। ये होता है आपका भाई, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अगर आपको दो भुजा दी गई है तो आप तीसरी भुजा को निकाल सकते हो, तीसरे भुजा की दूरी निकाल सकते हो, दूरी कितनी कितनी नहीं इसको आप निकाल सकते हो। जैसे आप एग्जाम, आपको मैं एक एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा, मैंने भाई ये एक त्रिभुज बना दिया, इसका मान भाई 3 है, इसका 4 है, तो ये वाली भुजा बतानी मुझे, ये वाली कितनी है, कर्ण बताना, कर्ण कितना, तो इसको नाम दिया भाई ए का, इसको बी का, इसको सी का, ठीक है भाई बच्चों। अब आपको क्या करना भाई, मैंने फॉर्मूला बताया ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका आधार का स्क्वायर, या आप ए बी का स्क्वायर लिख दो प्लस बी सी का स्क्वायर। ये जरूरी नहीं कि आप बी सी यही लिखना जरूरी, कोई आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, तो लंब का स्क्वायर ये हो गया आपका भाई। अब देखो भाई कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर तुम्हें चाहिए भाई, तो कर्ण का, कर्ण तुम्हें चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब क्या आपका भाई 4 है, तो 4 का स्क्वायर करना स्टार्ट करो भाई, कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 होता है, ये आप सभी को पता भाई 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा भाई 25 कर्ण का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को इधर डालूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा भाई, तो कर्ण का, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 आ जाएगा, 25 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा भाई बच्चों 5 आ जाएगा, तो जो आपका ये है जो आपका कर्ण है वो कितना निकल कर आ 5, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, या पाइथागोरस प्रमेय से निकलते हैं भाई। ये वाला दे दे आपको, ये वाला दे तो आप ये वाले निकाल दोगे, ये वाला दे दे, ये वाला दे तो आप ये निकाल दोगे, मतलब दो भुजा दोगे तो तीसरी भुजा निकल जाएगी। अब तुम देखो बच्चों एक थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, बार बार क्वेश्चन बनाता है, वो क्वेश्चन कैसे बनाता है कि बताइए त्रिभुज है या नहीं है, आपको कोई भी त्रिभुज, चले तो पाइथागोरस प्रमेय लग गई भाई वहां पर, लेकिन आपको कोई भी त्रिभुज दिया, अगर इस प्रकार का भी त्रिभुज दे दिया, तो अगर इस त्रिभुज की ये भुजा है 3 और इसके 4 और इसकी है भाई 5, 5 नहीं 4.5 ले ली चलो, तो त्रिभुज उसी को बोलेंगे हम जो दो भुजाओं का योग हमेशा 3
तीसरी वाली भुजा से अधिक आएगा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आएगा, किन्हीं भी दो का इनका जोड़ लो भाई, 4.3, 4.5 और 3 कितने हो गए, 7.5 हो गई, कितना भाई 7.5, इससे ज्यादा है इसको जोड़ दो, 4 × 3 = 7, 4.5 से ज्यादा इसको जोड़ दो, इससे ज्यादा है। तो दो भुजाओं का योग हमेशा भाई, दो भुजाओं का योग, जैसे मैंने इसको मान लिया ए, इसको बी, इसको सी, तो ए बी प्लस बी सी ले लो बराबर ए सी से ज्यादा आएगा, हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से दिखाएगा। या आप ले लो ए सी का योग प्लस ए बी का योग बराबर हमेशा बी सी से दिखाएगा, मतलब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से दिखाएगा, बस इस चीज को आपको समझना भाई, वही त्रिभुज बोल देंगे उसको, त्रिभुज का ये फंडा है, दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से दिखाएगा तो समझ लो त्रिभुज का ही बात चल रही है भाई, ठीक है भाई। अब देखते हैं बच्चों हम दूरी सूत्र, दूरी सूत्र मतलब दूरी सूत्र किसको बोलते हैं भाई, तो एडिंग डालते हैं भाई दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई, उसको देखते हैं प्यारे दोस्तों। दूरी सूत्र का मतलब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। दो बिंदु भाई, ये बिंदु है, मुझे नहीं पता है बिंदु क्या भाई, x, मैंने मान लिया x1 है, x1 y1, इसको मान लिया भाई x2 y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी भाई, मुझे इसके बीच की दूरी नहीं पता, इसके बीच की दूरी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मैंने मान लिया भाई ये बिंदु ए है, ये बी है, इन इसका एक्स एक्स निर्देशांक दे दिया एक्स वन वाई वन, इसके निर्देशांक एक्स टू वाई टू, तो इनके बीच की दूरी निकालनी बच्चों मुझे, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकली, सिंपल सा फॉर्मूला भाई, ए बी की अगर हमें दूरी चाहिए तो अंडर रूट एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब इस वाले में तो एक्स एक्स वाले निर्देशांक को एक दूसरे से घटा दो, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस जो ये वाला निर्देशांक है इसमें तो ये घटा दो, y2 टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र निकल कर तैयार हो जाता है। ये प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको, इसका प्रूफ कैसे निकलेगा कैसे नहीं प्रूफ कराऊंगा अभी, आप टेंशन ना लो भाई। जैसे क्वेश्चन दिया भाई मैंने, कुछ भी दो निर्देशांक दे दिया भाई, मैंने दो निर्देशांक दिया भाई 5.8, दूसरा निर्देशांक दिया भाई 7.-6, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करें, इनके बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी प्यार दोस्तों। दूरी कैसे ज्ञात होगी अब उसको देखते हैं भाई। मैंने आपको बताया भाई ये निर्देशांक है, इसको बिंदु ए का नाम दे दिया भाई मैंने, निर्देशांक 5.8, ये निर्देशांक कोई दूसरा है भाई मुझे नहीं पता 7.-6, इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का, कुछ भी नहीं करना भाई, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है मैं, तो अंडर रूट क्या करना 7-5 भाई, यही तो फॉर्मूला ही रहा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब इसमें तय इस वाले में तय घटा दो, 7-5 करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस छः में से -8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा, तो ए बी बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4 हो गया प्लस -14, तो -14 का स्क्वायर हो गया, तो 14 का स्क्वायर कितना हो भाई 100 बताओ भाई 196 होगा कितना हो 14 का स्क्वायर बताओ यार 14 का स्क्वायर 196 होगा भाई, तो 4 + 96 196 बता भी दियो भाई कितना हो, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 200 तो आएगा 200, तो अंडरूट 200 आ जाएगा भाई, ये बीच की दूरी कितनी आएगी भाई अंडरूट 200, तो इस प्रकार आप बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। देखो मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, ये प्रूफ ये फॉर्मूला कहाँ से आता है कहाँ से नहीं इसको देखते हैं भाई, ठीक है भाई बच्चों। चलो भाई देखो भाई बच्चों, दूरी सूत्र ज्ञात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ भाई। अगर मैं आपको बिंदु दे दू भाई 3.4 5.6 7.-4
ये बिंदु दे रहा भाई मैं, माइनस सात कोमा आठ माइनस छः कोमा माइनस पाँच, ये बिंदु दे रहा है। इनको एक्स अक्ष पर दर्शा दो भाई पहले। देखो बच्चों मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा भाई ये, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है सभी बच्चों को समझाने के लिए। एक्स अक्ष पर इन्हें एक्स वाई अक्ष पर कैसे दर्शाऊंगे, भुज और कोटि के रूप में कैसे दर्शाऊं भाई। आपको पता है एक्स का मान हो, ये वाई का मान, इसे एक्स वन दे दो, इसको वाई वन, इसको ये भी एक्स का, ये भी वाई का, एक्स टू वाई टू, ये दर्शा देते हैं और कुछ नहीं है भाई। आप सबसे पहले इस प्रकार एक्स एक्स वाई एक्स बना लो भाई, ए दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये एक हो गया भाई, दो हो गया, तीन हो गया, चार पाँच छ सात आठ। इसी प्रकार भाई बच्चों एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, कितने ले लो भाई थोड़ा समझने के लिए। तो दर्शा दो भाई बच्चों, मैंने आपको बता अगर इस साइड चलेंगे तो एक्स का मान भाई, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्स बोलते भाई। ये भी एक्स का ही मान है, ये भी एक्स का मान, लेकिन इधर को चलेंगे तो निगेटिव होगा एक्स का मान, ठीक है भाई बच्चों। माइनस चार माइनस पाँच माइनस छः माइनस सात माइनस आठ, ये इधर को चलेंगे तो नीचे को माइनस के वाई का मान, माइनस छः माइनस सात माइनस आठ, ऊपर को चलेंगे तो पॉजिटिव वाई, पाँच छः सात आठ, ये होगा भाई बच्चों। तो दर्शा दो भाई मान को दर्शाने को, उसने कहा तीन कोमा चार, मतलब एक्स का मान तीन वाई का मान चार, तीन कहाँ को भाई यहाँ पर, वाई का मान चार कहाँ को, एक दो तीन चार यहाँ पर है, दोनों को मिला दो भाई इस प्रकार, ये तो मिल ले भाई दोनों यहाँ पर मिले भाई बच्चों, भाई तीन हमें एक दो तीन इस प्रकार चले, एक दो तीन चार इस प्रकार चले, तो यहाँ पर मिला तीन कोमा चार। देखो बच्चों मैं आपको समझा रहा भाई कैसे होता है कैसे नहीं, निर्देशांक पर जब हम इनको बिंदु को दर्शाते हैं तो थोड़ा भाई सबको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको भाई पहले डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है भाई बच्चों। जैसे मैंने कहा भाई पाँच कोमा छः, तो पाँच कोमा छः दर्शाओ भाई, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ही हो गया भाई बच्चों एक्स का मान, वाई का मान एक दो तीन चार पाँच छः, वाई का मान छः, तो दोनों को मिला दो भाई इस प्रकार भाई, यहाँ पर दर्शा दिया भाई बच्चों दूसरा मान पाँच कोमा छः, दर्शाने का पॉइंट है भाई बच्चों, इसको समझ लो भाई। फिर सात कोमा माइनस चार, सात कोमा माइनस चार है भाई, तो सात कोमा माइनस चार को कैसे दर्शाऊंगा भाई, सात कोमा भाई सात तो यहां पर हो गया, ये एक्स का मान होगा ये वाई का, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, सात यहां पर हो गया, माइनस चार ये वाई का मान होगा तो माइनस का नीचे एक दो तीन चार यहां पर आ गया बच्चों, तो इसको यहां पर दर्शाया जाएगा भाई, दोनों पॉइंट यहां पर मिलेंगे, यहां पर मिल जाएंगे भाई दोनों पॉइंट, सात कोमा माइनस चार, ये एक्स का मान ये वाई का मान, कोई दिक्कत बच्चों। फिर आपका भाई माइनस सात कोमा आठ, तो माइनस सात कहाँ को होता है भाई, माइनस सात इधर को होगा भाई, एक दो तीन चार पाँच छ सात कोमा आठ, आठ मतलब वाई का मान पॉजिटिव है, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ यहाँ पर, दोनों कहाँ पर मिलेंगे भाई बच्चों, इस प्रकार मिल जाएंगे यहाँ पर भाई, यहाँ पर कौन सा मान है भाई, माइनस सात कोमा आठ, बताओ भाई कोई दिक्कत है आपको। फिर बच्चों माइनस पांच माइनस छ, तो माइनस पांच कहाँ होगा भाई, एक्स का मान एक दो तीन चार पांच, माइनस पांच यहां पर छ माइनस छ रहा, तो दोनों यहां पर मिल जाएंगे भाई बच्चों ये, तो अब माइनस पांच कोमा माइनस छ इस प्रकार दर्शा सकते हो। ये बच्चों दर्शाने का पॉइंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि बिंदुओं को कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है भाई। अब मैं आपको करा देता हूं भाई विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो भाई कैसे,
मैंने आपको बता भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला भाई होता है, अगर कुछ भी आपको दूरी चाहिए भाई, दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, तो ये हो गया भाई आपका फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इससे निकले। लेकिन बच्चों इसका प्रूफ कैसे होगा, देखो भाई प्रूफ कराता हूँ आपको भाई। ये मान लिया मैंने आपके निर्देशांक है भाई, यहाँ पर ये एक्स एक्स वाई एक्स है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्स, इसको बोलते हैं वाई एक्स, ठीक है भाई। मैं भाई कुछ दूरी पर मैंने मान लिया भाई यहाँ पर कोई बिंदु है भाई, बच्चों बिंदु यहाँ पर एक्स एक्स दूरी तो है, कुछ तो है भाई एक्स एक्स, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दूरी पर है भाई बच्चों, एक्स एक्स या दूरी वाई एक्स या दूरी भाई बच्चों। तो मैंने मान लिया भाई बच्चों बिंदु एक्स वन कोमा वाई वन है, क्या मान लिया बच्चों एक्स वन कोमा वाई वन है, ठीक है भाई। दूसरा बिंदु भाई यहाँ पर मान लिया मैंने, चलो इसको अगले पेज पर कराता हूँ भाई मैं आपको, देखो भाई इस पर देखना भाई, थोड़ा और समझ में आ जाएगा अच्छे से भाई। यहाँ पर कोई बिंदु भाई मुझे नहीं पता कौन सा बिंदु, मैंने मान लिया बच्चों एक्स वन कोमा वाई वन है भाई, तो ये दूरी आपको पता भाई कितनी होती है, ये वाली दूरी पता आपको कितनी होती है भाई, ये हो गया आपकी एक्स वन, ये हो गया आपकी जो वाई एक्स से दूरी होती है बच्चों, एक्स की दूरी होती है, जो एक्स एक्स से दूरी होती है वो वाई एक्स की दूरी होती है वाई वन। फिर भाई बच्चों हम यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु है मुझे नहीं पता भाई कौन सा बिंदु, मैंने मान लिया भाई बच्चों एक्स टू कोमा वाई टू है, जो ये वाली दूरी होगी भाई बच्चों, ये वाली दूरी होगी, ये पूरी वाली दूरी होगी भाई बच्चों, जो भी आपकी एक्स से दूरी होगी बच्चों वाई टू होगी, और जो भी एक्स वाई एक्स से दूरी होगी वो एक्स की दूरी होगी, तो आपका एक्स टू। अब बच्चों मुझे ये वाली दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली, इसके और इसके बीच की दूरी निकाल ली, बेटे इसके और इसके बीच की दूरी निकाल ली भाई बच्चों, ये तो कैसे निकलेगी भाई बच्चों ये वाली दूरी, तो इसको निकालना भाई आप त्रिभुज बना लो, इसको यहां से मिला दो आप बच्चों, इसको यहां से मिला दो। अब देखो भाई बच्चों ये वाली तो आपको पूरी दूरी पता है, दूरी कितनी है, इसका नहीं पता, ये वाली यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी, इसका नहीं पता यहां से लेके यहां तक कितनी, देखो भाई कैसे पता लगेगा। तो अब देखो भाई बच्चों जो ये दूरी निकल कर आई है भाई, पूरी दूरी कितनी है आपकी यार, यहां पर समझो ना दूरी कितनी है आपकी, वाई वाई टू है, और ये छोटे वाली दूरी कितनी है भाई, वाई वन है। तो अगर बच्चों बड़े वाली दूरी में से छोटे वाली घटा दो तो ये नहीं बच जाएगी, तो आपकी ये दूरी बच जाएगी बच्चों आपकी वाई टू माइनस वाई वन, क्या बच जाएगी वाई टू माइनस वाई वन, समझ में आ भाई बच्चों। अब ये वाली दूरी पूरी कितनी भाई, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी भाई बच्चों, एक्स टू है, यहां से यहां तक की आ रही है भाई दूरी एक्स टू है, और ये छोटे वाली दूरी क्या बच्चों एक्स वन, तो ये वाली कितनी आ जाएगी बच्चों एक्स टू माइनस एक्स वन, ये दूरी निकल कर भाई ये वाली दूरी निकल जाएगी यार, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई, पाइथागोरस प्रमेय आपको ए और बी के बीच की दूरी चाहिए, सिंपल ही निकाल लो भाई ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री का कोण लग रहा तो पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको नाम दे दो, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको लंब, इसको आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण कितना भाई आपको ए बी, ए बी तुम्हें चाहिए तो ए बी का स्क्वायर, आधार कितना बच्चों, लंब कितना आपके पास ये रहा वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ये अनरूट इस पर डाल दो भाई, तो ए बी बराबर आ जाएगा आपके पास वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर आपका आ जाएगा अंडर रूट में। आप इसको एक्स वाले को आगे लिख दो क्योंकि आधार प्लस लंब आगे पीछे लिख सकते हैं भाई प्लस में, तो ए बी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये आपका दूरी सूत्र होता है। बताओ भाई यहां तक समय मान है यार, क्लियर हुआ भाई आपका नहीं हुआ यार, ये बता दो बस मुझे एक बार। देखो एक पॉइंट और समझो बच्चों, हमेशा ध्यान रखियो, हमेशा जो भी
ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्स, इसको एक्स अक्ष। वाई बिंदु, वाई से किसी से भी तुम वाई से कहीं से भी स्टार्ट कर दो, जो भी दूरी होगी वो एक्स की दूरी होगी, वो एक्स की दूरी होगी। जैसे मान लिए 5, तो एक्स का मान होगा, ये एक्स की दूरी होगी यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। और कहीं से भी आप एक्स अक्ष के बिंदु से कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं भी चल जाओ, ये वाई की दूरी होगी। वाई की मान ली 7 है, तो वाई की दूरी होगी 7। ये बिंदु का दर्शाने का पॉइंट है भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत हो तो मुझे भी बता दो यार, और समय में आगे तो फिर आगे बढ़ो। एक बार और समझ लो भाई इसको, ही दूरी सूत्र को। चलो मैं आप दूसरे तरीके समझाता हूँ भाई, दूसरे तरीके से क्या भाई, एक बार और प्रूफ इसका दोबारा दिखाता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के समय में नहीं आता यार, हम भी उसी कंडीशन तक गुजरे हो भाई, सबको फेस करनी पड़ती है लाइफ। जैसे आपको भाई 2 बिंदु दिए गए हैं, ये 2 बिंदु दे दिए भाई, यहां पर दिया एक बिंदु, एक यहां पर दिया, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी भाई। मुझे नहीं पता यहां पर बिंदु कौन से, मैंने मान लिया x1, y1 है बिंदु, इस बिंदु को मान लिया x2, y2 है भाई बिंदु। ये वाली दूरी कितनी होगी बच्चों, मैंने आपको बताया ये वाली दूरी होती है एक्स अक्ष, तो भाई एक्स अक्ष से दूरी होती है y1, क्योंकि y की होती है भाई y1। ये दूरी कितनी है बच्चों, x1। समय मारा भाई बच्चों, कितनी हो जाएगी x1, और ये दूरी एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी बच्चों y2, क्योंकि y की दूरी होती है, और ये वाई एक्स से दूरी हो जाएगी x2। तो ये वाली दूरी नहीं पता नहीं भाई मुझे, ये वाली जिससे यहाँ ले यहाँ तक की दूरी नहीं मुझे पता। कैसे पता लगा भाई, बड़े वाली दूरी में से इस वाले में, तो इस वाली कितनी भाई, एक्स के बराबर तो एक्स टू के, एक्स टू मतलब अगर छोटा वाली घटा दूँ तो x2 - x1 बच जाएगी, छोटे वाली बच जाएगी भाई बच्चों। और बड़े वाली कितनी भाई बच्चों हमारी, y1 घटा दूँ तो y2 - y1 आ जाएगी। ये वाली निकली यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की है। अब पाइथागोरस पर में लगा दो AB, तो AB का स्क्वायर बराबर इसका आधार का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब अंडर रूट डाल दो इस पर बस, तो AB बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये आप कर सकते हो, जैसे मैं क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ भाई आपको क्वेश्चन कैसे। भाई देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन दिया भाई बच्चों मैंने, ये 8, -7, -6, 7 दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। एक बिंदु यह है A, बिंदु B है B, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। मैंने आपको बताया सिंपल फॉर्मूला, इसका नाम दो x1 का, इसको नाम दो y1 का, इसको x2 का, इसको y2 का। दो बीच की दूरी AB के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, अंडर रूट में x2 - x1 होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये तो होता है भाई फॉर्मूला। तो रख दो x2 की वैल्यू कितनी, -6, अंडर रूट में माइनस का 6, माइनस x1 की कितनी वैल्यू, माइनस वो 8 है भाई, तो 8 रख दो, इस पूरे का स्क्वायर प्लस आपका y2 की वैल्यू कितनी भाई, 7, तो 7 माइनस पहले से ही भाई ये सूत्र में ही, और y1 की वैल्यू माइनस के साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। कर दो भाई, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 8 और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 14, और 14 हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 14 हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई बच्चों, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस का ही हो जा, तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें, तो 14 का स्क्वायर, ये भी प्लस 14 का स्क्वायर, ये कितना होगा भाई, 2 × 14 का स्क्वायर होगा भाई, तो अब भी वही। अब इसमें तो देखो बच्चों, जिसका स्क्वायर उस पतन रूट हट जा, तो 14 पतन तो रूट हट गया, लेकिन 2 पतन रूट नहीं रहता, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, स्वयं भाई आप सभी की, एक और क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ भाई आपको। आपको भाई 2 बिंदु दी गई, 2 बिंदु मुझे नहीं पता भाई कौन सी है, मैंने मान लिया 2 है, -3, -2, दूसरा बिंदु भाई बच्चों 3, 2, ये दिया भाई, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी भाई बच्चों। क्या ज्ञात करनी, बीच की दूरी। देखो भाई कैसे, AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी, फॉर्मूला क्या होगा भाई बच्चों आपका, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसको नाम दे दो x1 का, इसको y1 का, इसको x2 का, इसको y1 का। बच्चे x का मान ये y का, ये x का ये y का। ठीक है भाई, AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी, x2 का मान कितना भाई बच्चों, 3, तो 3 माइनस,
एक्स वन का माइनस तीन है बच्चों, एक माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस, तीन का स्क्वायर प्लस वाई वन का, वो वाई टू का मान कितना बच्चों, दो माइनस वाई टू वाई वन का माइनस माइनस प्लस दो इसका स्क्वायर, और पूरा का क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट। तो ए बी बराबर तीन और तीन छः हो गए भाई, छः का स्क्वायर प्लस जोर दो चार का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 36 प्लस ये हो जाएगा 16, चार का स्क्वायर 16 कितना आ जाएगा बच्चों, जोड़ करें ए बी बराबर आ जाएगा 36 और 16 कितना हो भाई, ये 6 6 12 हासिल लग गया है, 4 52 हो जाएगा बच्चों, तो अंडर रूट 52 इसका आंसर है, इतने सेंटीमीटर इतने मीटर जो भी है मीटर में दे रखी, मीटर इतने सेंटीमीटर सेंटीमीटर इतना इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपको करना भाई, क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई बच्चों मैं घर के लिए आपको, 3.5, बिंदु ए है बिंदु बी है, 4.-7 बिंदु सी है, 8.-6 बिंदु डी है, -4.-9 को एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर दर्शाए, मतलब दर्शा कर दिखाने भाई बच्चे, एक क्वेश्चन ये आपका भाई, मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष पर दर्शा दो, एक्स अक्ष खींच कर वाई अक्ष खींच के जिस तरह भी दर्शाते है ये दर्शाता भाई, खींच कर इसको इस प्रकार दर्शा दो बस। फिर आपको भाई एक क्वेश्चन दे रहा भाई बच्चों में, ए 2.4.4 बी बिंदु आपका ये भाई बच्चों 4.4 है, के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करनी भाई बच्चों। एक और क्वेश्चन दे रहा भाई बच्चों, कोई बिंदु ए है 5.-6 कोई बिंदु बी है -7.-8 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है भाई बच्चों, एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, -7.-3 3.4 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ये भी ज्ञात करना। एक और क्वेश्चन ले लो भाई, -5.-8 और -6.-2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी भाई समय, तो 4-5 क्वेश्चन जरूर करना भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ तक कर लेना भाई, कल को और इसके एग्जांपल करा दूंगा भाई मैं आपको अच्छे से।